फाइन, माय नेम इज मेहुल सोलंकी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ 9 डे रोड ट्रिप। आज हम आए पोरबंदर सिटी में ही कीर्ति मंदिर है, वहां पे कीर्ति मंदिर है वो महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि है और अभी हम जहां खड़े हैं वो है मोहनदास करमचंद गांधी जी का घर, मतलब जिसे हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा इंडिया में खास करके जो महात्मा गांधी जी को ना जानता हो। ये जो जगह है मतलब महात्मा गांधी जी का घर है बहुत ही सुंदर है, मतलब यहाँ पे आके एक अलग ही फीलिंग आती है कि महात्मा गांधी जहाँ रहते थे वो हम आज विजिट करने वाले हैं, तो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए विजिट करते हैं ये कीर्ति मंदिर, महात्मा गांधी जी का घर। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अर्ली मॉर्निंग हम पोरबंदर से माधोपुर बीच गए और रिटर्न पोरबंदर आने के बाद हम सीधे चले गए कीर्ति मंदिर, जो पोरबंदर सिटी में ही मानेक चौक के बिल्कुल ही पास में है। यहाँ पर गांधी जी का जो घर है वो उनके प्रपितामह यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर हरजीवन जी रहीदास जी गांधी ने यहीं के रहने वाले मानबाई से 1777 में खरीदा था। बाद में गांधी जी के पितामह यानी कि ग्रैंडफादर उत्तम चंद जी द्वारा कुछ परिवर्तन करवा के इसे 2 मंजिला बनवाया और बाद में 1 मंजिल और भी बनी और ऐसे गांधी जी के जन्म समय पर यानी कि 2 अक्टूबर 1869 में एक घर 3 मंजिला था। इस घर में करीबन 22 कक्ष है और कुछ दीवारों पे तो बहुत ही अच्छी चित्र भी बनाए हुए हैं। हमारे देश को आज़ाद करवाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा हो उनकी जन्मभूमि और उनका घर विजिट करने के बाद मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ। अगर आप पोरबंदर आ रहे हो तो आपको ये जगह जरूर विजिट करनी चाहिए। और यहाँ पर ये ऐतिहासिक जगह विजिट करते हुए शाम के करीबन 5:30 बज चुके थे। हमें पता तो था कि अब हम शायद एक ही प्लेस विजिट कर पाएंगे और राघव के सजेशन से हम पहुँच गए पोरबंदर चौपाटी। कीर्ति मंदिर विजिट करते करते सनसेट का टाइम हो चुका था तो मैंने राघव से पूछा कि हम कहाँ जा सकते हैं सनसेट को एंजॉय करने के लिए, तो राघव ने मुझे बताया कि एक पोरबंदर चौपाटी है जहाँ पे हम जा सकते हैं, उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छा सा वीडियो भी बना सकते हैं। तो अभी हम आए हैं पोरबंदर चौपाटी, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो वो पूरा समुंदर है। यहाँ इस साइड वॉकवे है जहाँ पे यूजुअली लोग वॉकिंग करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, जो छोटी बड़ी एक्टिविटी होती है चाइल्ड्स के लिए वो करने के लिए आते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो फैमिली के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं और अपना अच्छा समय बिताते हैं। यहाँ पे सच में बहुत ही अच्छी जगह है, ये जो पूरा समुंदर है, सामने एक पॉट है और यहाँ पे कुछ होटल्स रेस्टोरेंट भी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये जो जगह है यहाँ तक आप आ सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो या फिर शांति से बैठकर आप यहाँ पे अच्छा समय बिता सकते हो, तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो चलिए हम और एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को और जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है और हम यहाँ पे कितना एंजॉय कर सकते हैं। मुझे वो सारे सिटीज और जगह बहुत पसंद है जो समुंदर के पास में है, क्योंकि मुझे समुंदर ही ज़्यादा पसंद है और आप जब चाहो तब समुंदर के किनारे जाके बैठ जाओ, आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा और वैसे भी मॉर्निंग या फिर शाम के समय पे एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है यहाँ। 2003 में पोरबंदर चौपाटी को रिकंस्ट्रक्ट किया गया जो विलिंगटन मरीना बीच के नाम से भी जाना जाता है। हर साल जन्माष्टमी के समय पर यहाँ पे मेला लगता है, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। तो चलिए साथ में मिलके विजिट करते हैं ये पोरबंदर की खूबसूरत जगह को। We'll be right back.
तो पोरबंदर चौपाटी पे हमने काफ़ी अच्छा समय बिताया, बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे जो वॉकवे है वहाँ पे भी हमने वॉक की और यहाँ समुंदर के किनारे भी वॉकिंग की। पहले तो यहाँ मतलब बहुत कम पानी था और जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे पानी जो था समुंदर का वो हमारे करीब आ रहा था, तो पहले तो यहाँ पर पानी था ही नहीं, अब तो देखो आप यहाँ तक पानी आ रहा है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, सनसेट हो रहा है और समुंदर के किनारे हम खड़े हैं बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा जो अच्छा समय स्पेंड करने के लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी सारी जगह पे गंदगी थी, मतलब प्लास्टिक था और ऐसी कुछ गंदगी की हुई थी। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल्स कि ऐसा गंदगी मत करिए। ये बहुत ही अच्छी जगह है चौपाटी, ये अच्छा टूरिस्ट प्लेस हो सकता है। तो गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर रही है तो पीपल्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आज हम इतना ही एक्सप्लोर कर पाए, कीर्ति मंदिर एक्सप्लोर किया, ये पोरबंदर चौपाटी हमने एक्सप्लोर की और सच कहूँ तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे। और अब हम कल जाने वाले हैं द्वारका, तो हम मिलेंगे द्वारका। आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं जो पूरी रोड ट्रिप है उसके, तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.